हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस योर फेवरेट कैप्टन सकाश। स्टेशन 3, दिस इज द रेस्क्यू बोट डेक एंड हेयर इज मुकुल सैनी। सो व्हाट यू आर डूइंग? बस सर, आज लाए आपके लिए रेस्क्यू बोट। रेस्क्यू बोट के बारे से कुछ बताइए, क्या करते हैं, क्या है, क्या रूल है, क्या आपका फंक्शन, उसके सारे इक्विपमेंट्स, हाउ यू हाउ लोअर, हाउ यू ऑपरेट, सब चीज़ बताएंगे आप। थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा वेट करें, आप हमें एक चीज़ बताइए कि डिटेल। ओके भाई, हालांकि आप देख सकते हैं कि वी आर चेकिंग आउट द इक्विपमेंट्स। ऑल द इक्विपमेंट्स वी हैव टेकन आउट। दिस इज द सी एंकर, दिस इज द रडार रिफ्लेक्टर, दिस वन इज द डीसीपी 2kg, एंड दिस इज द बकेट अलोंग विद द लेड फॉर कमिंग फॉर द रेस्क्यूअर विच वी आर ट्राइंग टू रेस्क्यू। सो मेन, this is a life saving appliances. So basically basic use is to rescue a person in case of any emergency, man or boat. So then that time we are using this rescue boat. So how do we operate? So first of all, let me tell you about this rescue boat. Its total length is 4.5 meters, breadth is 1.72 meters, and depth 0.75. yeah, total capacity 6 persons. So just have a look, 6 persons, 5 plus 1, the one we are rescuing, correct? Empty boat weight is 693 kg, and full load weight is 1193. Yeah, that is correct. Working temperature sea water ke liye 1 to 30 degrees Celsius. Minus one, correct. So speed full load pe kitna hai bhai? 6 knots. अच्छा, एंड इसका जो टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स, एंड वी आर यूजिंग गैसोलीन, दैट इज करेक्ट। एंड आउटसाइड कलर यू कैन जस्ट हैव अ लुक, इंटरनेशनल ऑरेंज। सो वी आर गोइंग टू ट्राई आउट इंजन ऑल्सो टूडे। सो आई वॉन्ट टू टेल यू सम स्पेसिफिकेशन अबाउट दिस इंजन। सो इंजन टाइप इज मर्करी, एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट। 25 HP, इंजन पावर 18.4 kW, इंजन RPM अगर फुल लोड में होगा तो 5000 to 6000 RPM, एंड इंजन RPM अगर आइडल स्पीड में, जैसा भी हम चालू करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव अ हेड एंड अस्टर्न मूवमेंट फॉर यू, सो 700 to 800 RPM। और इसका स्टार्टिंग मेथड बहुत आसान है, जस्ट अ हैंडल स्टार्ट है, यू कैन हैव अ लुक। गोइंग टू शो यू हाउ यू गोइंग टू स्टार्ट इट। Yes. Okay. Full है ना? Full. ये आपको रेस्क्यू बोट के इक्विपमेंट मिले। तो पहला है आपका बॉयंट रोइंग फोर, चप्पू। दो चप्पू हैं हमारे पास, एक फोर साइड में रखा है, एक स्टारबोर्ड साइड में रखा है, बहुत ही गुड वर्किंग कंडीशन। और 2 boat hooks, 1 है ये वाला, ये 1 boat hook है। कंपास, ये रही एक बकेट, सी एंकर ये रहा, और बायंट रोप बेलर वो रखा है, वो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ठीक है। थर्मल प्रोटेक्टिव वेट 2 है यहाँ पर। ओके, विसल इसने ब्लो कर ही दी है पहले ही, इलेक्ट्रिकल टॉर्च वो पड़ी है। फर्स्ट एड बॉक्स ये रहा, वाटर टाइट बॉक्स में फर्स्ट एड। बायंट किट्स 2 हैं, वो पड़े हैं सामने। पेंटर लाइन, वी हैव 25 मीटर पेंटर लाइन विच इज अटैच टू दिस फॉरवर्ड पार्ट। दिस ऑपरेशन ऑल्सो वी आर गोइंग टू टेल यू। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर 2 kg, ऑलरेडी शोन यू। हैचेट, वी हैव जस्ट कैप्ट इट ओवर हेयर फॉर द टाइम बींग।
we want to make it nice. We are going to take it to the workshop and make it nice. And next is this charging cable. Okay, so this is the charging point. We are charging it from here. Okay, so this is the charging point. So just have a look. Charging point. Okay, it's full, fully charged. Okay, now let me hand over to Mr. Mukul Saini. Okay. Okay, sir. Yes. So now where is the compass? Okay. Same, iska bhi wahi hai jo light board mein tha. Like 1, 2, and both. Okay. लाइट्स तो दिखा दे यहाँ से सारा. ये सर्च लाइट, केबल लाइट, केबल लाइट, पोजीशन लाइट, कंपास लाइट, कंपास लाइट, कंपास लाइट लग रहा है. आप लोगों को नहीं दिख रहा, धूप बहुत है. हाँ ठीक है, इंजन चालू कर दे एक बार. केबल लाइट इसको बोलते हैं. सो गाइस, नाउ वी गोइंग टू ट्राई आउट द इंजन. So guys, शुरुआत करते हैं और स्टेप बताते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू लोअर आवर रेस्क्यू बोट. जैसा कि इफ अ मैन हैज फॉलन, ठीक है, वी हैव अ जनरल आर्म बीइंग रेस्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी वांट टू लोअर दिस वन, द स्पीड ऑफ द वेसल शैल बी लेस देन 5 knots. करेक्ट. ओके, देन वी हैव रिसीव्ड वी मस्टर मस्टर. दिस इज आवर मस्टर स्टेशन नंबर 3. So as per the muster station duties, I am the in charge. Third officer is in charge to prepare the rescue boat, and third engine is the in charge for the lifeboat engine, which we have, which he has done now, and he has gone to the engine room. So on the starboard side, just have a look. There are stanchions. First of all, I will remove these stanchions, and I will make sure that the area is clear because we are going to lower the rescue boat, right? And then make sure, as per the muscle's duty, forward painter is being made fast. We will take and make fast to the strong end. Correct? Yes. Then what? Next step, Guru? Ship side is clear. Okay. No obstructions. Okay. Stanchions removed. Yeah. Then drain plug. Drain plug, very important. Drain plug. Drain plug. Okay, I will show you from down. What actually drain plug? Drain plug is this one with the ball. Okay, if there is ingress of water inside the hull, then you just remove the drain plug and it will come out. Now it's closed already. Okay, next step, Guru. Your engine must be try out prior lowering. It should be try out. Okay, and prior lowering to the water level, the engine should be running. Engine should be running. Okay, next step. Make sure you remove all the lashings, extra lashings. Okay. Lashings removed. You can just have look. We have given this extra belts also, and this is the lashings. These are two lashings, one and two, and these extra belts given by us. Okay, remove then. Okay. First, you will just hoist like little bit from the rest pads. Once it's airborne from the rest pads, like you can see here. These are basically call it brake. Okay, I will just show you. This rescue boat is sitting on top like this. So when I remove, this has to be removed, and if this rescue boat is sitting on top like this, if this will go down, the resting pad will go like this, and the boat will swing to the starboard side. Swing this boat to the sea side. To the sea side, we can swing by 3 means. एक है हैंड बाय हैंड, सेकंड है आपका एक्चुएटर, ठीक है, और थर्ड वन है बाय इलेक्ट्रिक. ठीक है, 3 वे वी कैन डू. और ये देखो, ये इसका यहाँ से ये सेल्फ स्विंगिंग है. यहाँ से आप स्विंग करा सकते हैं स्विंग, और ये सेल्फ लोअरिंग.
ठीक है। बट ये स्विंग कराने से पहले वहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि आपको किस साइड स्विंग कराना है। ये अभी फोर्थ साइड के लिए राइड करूँगा तो स्टारबोर्ड के लिए, ठीक है। ओके नाउ ब्रिंग दिस बोर्ड टिल द एम्बार्केशन डेस्क। ओके ऑल पर्सनल हु आर गोइंग टू बोर्ड टू रेस्क्यू द पर्सन दे मस्ट बी विद द लाइफ प्रॉपर लाइफ जैकेट प्रॉपर PPE मस्ट बी वॉन एट ऑल टाइम बिकॉज देयर सेफ्टी इज ऑल्सो मेजर कंसर्न नॉट ओनली द सेफ्टी ऑफ द पर्सन हु हैज फॉलन डाउन। क्योंकि एक को उठाने जाएंगे चार और घायल होकर आएंगे तो फिर भाई पता ही आपको क्या क्या स्ट्रेचर वेचर उठा के करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट स्टेप। ओके वी गॉट द कमांड फ्रॉम द मास्टर मास्टर्स का कमांड वेटिंग कर रहे हैं कि ओके देन वी बोर्ड द लाइफ रेस्क्यू बोट। ठीक है रेस्क्यू बोट बोर्ड कर ली। ओके देन वी गॉट द कमांड फ्रॉम द मास्टर। ओके यू कैन लोअर डाउन वी लोअर देन वंस द रेस्क्यू बोट इज द वाटर बॉर्न। अच्छा आप समझा वंस द रेस्क्यू बोट इज वाटर बॉर्न सो व्हेन देयर इज नो वेट ऑन द हुक। ओके you can just show how to I will just lower this you see this is the self lowering so I will just we just have to okay pull this one pull karna okay so this is the way we have to remove the safety pin and just lower down this handle so this will go ready so because we take heavy swell or the weather is not good then most probably we are not lowering this one. And depends on the masters and while we are doing the drills we are taking permission from the port authorities that we can lower we can board we can maneuver depends on the port authority we should get a letter from the agent or from the port authority then only we are liable to lower this rescue boat. Okay next step position chalo position leke aana hai na position mein aane ke liye main isko ye lo pull kar bas बहुत हो गया लगा दे। अच्छा अब मान लीजिए हम वाटर बॉर्न है ऑलरेडी, ठीक है। इंजन पहले ही मैंने ऑन कर दिया जैसे मैंने आपको बताया था क्योंकि इंजन नीचे जाके अगर कुछ कर दिया तो फिर हो गया फिर लग गए। और फॉरवर्ड पेंटर किस तरह हाँ हाउ टू रिमूव द फॉरवर्ड पेंटर या एंड देन आई विल बी पुलिंग दिस वन एंड देन ओके वेरी सिंपल बिगिनिंग वेरी सिंपल मैकेनिक। ओके आई विल पुट बैक अगेन ये देखो नहीं गया नहीं उधर पुल कर नहीं हुआ ये नीचे जाना चाहिए ये उसके ऊपर आएगा तो आप पेंटर मेड फास्ट है जब तक पुल कर रहा तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर अगर ठीक है एक बंदा आगे बैठा ही होगा उसको बोलेंगे ओके लेट गो फॉर पेंटर ओके जस्ट नीड टू पुल दिस वन फिनिश स्टोरी एंड द अदर गाय नीड टू पुल दिस वन फिनिश स्टोरी ठीक है This is the mechanism. Okay, put back. नहीं भी चले। Basically इसके जो operation है ना, वो तीन type के हैं, जैसा आपको बताया। इन तीन type के अंदर सबसे पहला जो इसका normal operation, normal वो जो आपका electric motor by winch। तो यहाँ पर तीन valve दे रहे हैं। Number one यहाँ पर, number two यहाँ पर। Marking भी कर रखी है देखो। हाँ हाँ मैंने की है हाँ हाँ बता दिया और नंबर तीन जो है वो यहाँ हाँ अभी हमको बाय इलेक्ट्रिक है हाँ बाय इलेक्ट्रिक के अंदर आपको नंबर वन वॉल जो है इसको शट रखना है ठीक तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ शट पोजीशन वॉल की ओपन पोजीशन वॉल की है हाँ ये सबसे जरूरी ये जो है ये भी शट पोजीशन है बिकॉज ये लाइक शट है यहाँ पे जो ओपन पोजीशन है ओपन इज व्हेन इट कम्स विद द लाइन विद द पाइप इन लाइन विद द पाइप ये पोजीशन है ये ओपन बंद कर दे तो जब आपको इलेक्ट्रिक से कर रहे हैं इसको हाँ तब आपको नंबर वन वॉल्व पोजीशन पर रहेगा और उसके बाद में आप उसको मोटर को ऑन करेंगे वहाँ से पैनल मोटर को यहाँ से यहाँ पे जो पैनल ये अभी खोली नहीं है कवर्ड है हमारा पंप स्टार्ट ये यहाँ पर होता ये तीन पे तीन है इसके पंप स्टार्ट पंप स्टार्ट स्टॉप और चार्जिंग इमरजेंसी स्टॉप भी है इमरजेंसी स्टॉप भी है तीन आपको बता दिया हाँ सेकंड जो है वो है लोअर बाय एक्यूमुलेटर 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 इज लाइक हाइड्रोलिक ठीक है हाइड्रोलिक मेथड हम नॉर्मली हाइड्रोलिक सो क्या होता है कि उसके अंदर आपको जो आपका वॉल नंबर थ्री है वो आपका ओपन होना चाहिए दैट मीन्स वॉल नंबर टू हैज टू बी शट वन एंड टू बोथ हैज टू बी शट ठीक है ओनली वॉल नंबर थ्री विल बी ओपन ठीक है तीसरा जो है मैनुअल वो आप
लोअर बाय मैनुअल करें। ये लीजिए, ये है ये पंप। इसके लिए आपको वॉल नंबर 3 जो है वो शट रखना है। वॉल नंबर 3 विल बी शट इन दिस पोजीशन। अब फिर आप इसको पंप को करेंगे तो तीन तूने सही बोला, पर एक्यूमुलेटर में क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर में देखो मैं बताता हूँ आपको कि हम यहाँ पर बटन है चार्ज करना पड़ता है हमको 19.5 मेगापिक्सल पे हमको इसको चार्ज रखना पड़ता है, और जो उसने वॉल्व बोले वो रखने पड़ते हैं, और हम एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर का इस्तेमाल से हम सेल्फ लोअरिंग और सेल्फ स्विंगिंग ठीक है हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके मतलब दो प्रकार से इसे कर सकते हैं, बट दिस इज़ बेसिकली ऑटोमेटिक रिलीज है। सो इसका काम ये है कि हमारा जो है डेविड लॉन्च लाइट अप, इसकी कैपेसिटी है 35%। शैकल दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या ये वाला शैकल है? ओके, तो डेविड लॉन्च लाइट अप के लिए हम वो हुक यूज़ करेंगे, डेविड हुक यूज़ करेंगे ठीक है। वो ऑटोमेटिक रिलीज हुक है। सो ऑटोमेटिक रिलीज हुक का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक नाम से ही पता चल रहा है ठीक है, जब उस पर लोड है, जब उस पर लोड है तो वो रिलीज नहीं होगा, बट व्हेन इट इज़ वाटर बॉर्न इट विल ऑटोमेटिकली रिलीज। बट मैनुअल भी इस पर ऑपरेट कर सकते हैं, जो हमारा मित्र जो समझा रहा था उल्टा ही बता रहा था, वो मैनुअली भी हम कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिक का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक जब उस पर वेट है तब नहीं रिलीज होगा, when it is water borne it will automatically release। basically आपको सबसे पहले इसकी जो लेसिंग्स है वो रिमूव करनी पड़ेगी। लेसिंग्स जो हैं यहाँ से आप रिमूव करें, उसके बाद में इसका जो सेफ्टी पिन वो निकाल करके, ये सेफ्टी पिन निकालिए, यहाँ पे इसका हुक है, हुक निकाल लें। देन दो बोर्डिंग लाइन्स हैं, पोर्ट साइड में भी है, स्टारबोर्ड साइड में भी है, साइड में दो है, स्टारबोर्ड साइड में दो है। आप कहीं पे भी बांध दें ताकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट में बांध दें ताकि ये हिले ना, हिले ना ठीक। ये अपना पेंटर लाइन है। हाँ, ये आप जब इसको ऐसे करेंगे आप खोल सकते हैं। नहीं नहीं, अटैच रहने दो उसको, तो एक बार पेंटर करेंगे तब खोल सकते हैं ठीक है। एक्स्ट्रा लैशिंग जो है रिमूव कर दें, सब कुछ रिमूव कर दें, इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं ठीक है। बोट का भी क्लियर किया, बोट का भी जो हुक है वो भी क्लियर किया ठीक है। आप स्विंग करके इसको पूरा क्रेन को ऐसे स्विंग करके 23 मीटर इसका स्विंगिंग सर्कल है यहाँ पर लेके आएंगे, और जो मैंने आपको ऑटोमेटिक रिलीज हुक बताया वो इस हुक के साथ एंगेज करेंगे ठीक है। आपने वीरा किया, ओके, ब्रिंग इट टिल हेयर, ठीक है सही है, वहाँ पर ला करके आप इसको हल्का सा जर्क देंगे, पेंटर लाइन खींचनी पड़ती है, यू हैव टू पुल द पेंटर लाइन, पुल द पेंटर लाइन। तो आप इसको पुल करेंगे पॉइंट के ऊपर आकर के, जैसे आप पुल करेंगे ना वो वहाँ खुल जाएगा, शुद्ध हिंदी खुल जाएगा वो अपने आप, वो खुल जाएगा। फिर आप उसको आराम से एम्बार्केशन डेक के ऊपर लेकर के आएंगे, वहाँ पे जो बंदे हैं जिनको एम्बार्क करना है, जाना है इसके अंदर, वो प्रॉपर पीपीई के अंदर है, वो एम्बार्क करेंगे। मेक श्योर यू आर नॉट वेयरिंग योर शूज, आप जूते पहन के इसको एम्बार्क नहीं करना, वो ध्यान रखें ठीक। और ये एम्बार्केशन लेटर है हमारा, लेटर यहाँ पर है, हम इसको यहाँ से नीचे लोड कर लेंगे, उससे हम चढ़ जाएंगे। वंस यू आर पहुँच गए अंदर, चढ़ गए, आप इसको वाटर बॉर्न करें, जैसे आप वाटर बॉर्न करेंगे ऑटोमेटिक रिलीज हो, वो ऑटोमेटिकली रिलीज करते हैं, दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ दैट। थैंक यू सर।